नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव में। और आज हम बात करेंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन के डिफरेंस के बारे में। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक के डिफरेंस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें से पहली है कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस यानी उसकी बनावट के डिफरेंस, उसके बाद आएगा ऑपरेशनल डिफरेंस यानी उसके वर्किंग के टाइम जो डिफरेंस आते हैं वो, और लास्ट में होगा हैंडलिंग डिफरेंसेस यानी कि इंजन को यूज करते वक्त आने वाले डिफरेंसेस। तो शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस से। तो फोर स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में ऑयल रिंग लगी होती है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में ऑयल रिंग नहीं लगती। कमेंट करके हमें इसका रीजन बताना ना भूले। फोर स्ट्रोक इंजन में इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में उनकी जरूरत नहीं पड़ती। टू स्ट्रोक इंजन का कंस्ट्रक्शन फोर स्ट्रोक इंजन से काफी सिंपल होता है, क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी वाल्व ट्रेन नहीं होती। फोर स्ट्रोक इंजन में यूज होने वाले फ्लाईव्हील की साइज टू स्ट्रोक के फ्लाईव्हील से काफी बड़ी होती है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग काफी स्टेबल रहता है। टू स्ट्रोक इंजन में एडिशनल ट्रांसफर पोर्ट दिया जाता है, जो कि फोर स्ट्रोक इंजन में नहीं होता। कम कंपोनेंट होने के कारण टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले वेट में काफी हल्का होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस में सिर्फ ऑयल ही रहता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में प्रीमिक्स लुब्रिकेशन सिस्टम होने के कारण क्रैंक केस में ऑयल और पेट्रोल दोनों रहते हैं। इन कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस के बाद हम आते हैं वर्किंग डिफरेंस के ऊपर। तो टू स्ट्रोक इंजन में हर एक रेवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में हर दो रेवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक होता है। इसी कारण जो टू स्ट्रोक इंजन है उसका पावर टू वेट रेशियो फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले ज्यादा होता है। फोर स्ट्रोक इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी टू स्ट्रोक इंजन से ज्यादा होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले टू स्ट्रोक इंजन पर रेवोल्यूशन हाफ फ्यूल यूज करता है। टू स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैस के साथ ऑलवेज मिक्स होता रहता है, जिसके कारण इंजन के परफॉर्मेंस डाउन होता है। पर यह प्रॉब्लम फोर स्ट्रोक इंजन में सेपरेट स्ट्रोक होने के कारण इतना नहीं आता। टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करता है फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले, और इसका कारण है इंजन का कंस्ट्रक्शन। फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादा थर्मल एफिशिएंट है टू स्ट्रोक के मुकाबले, क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन प्रैक्टिकली दो रेवोल्यूशन पर एक पावर स्ट्रोक करता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन हर एक रेवोल्यूशन के ऊपर एक पावर स्ट्रोक करता है। टू स्ट्रोक इंजन नॉर्मली फोर स्ट्रोक के मुकाबले कम टेम्परेचर पर काम करता है, जिसके कारण इसे एयर कूल्ड रखा जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कंपैरिजन में फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादा गर्म होता है। टू स्ट्रोक इंजन में कम पार्ट्स होने के कारण फोर स्ट्रोक इंजन के मुकाबले कम फ्रिक्शन लॉस होता है। अब बात करते हैं हैंडलिंग डिफरेंसेस की। तो टू स्ट्रोक इंजन वाले व्हीकल में फ्यूल टैंक के अंदर आपको फ्यूल के साथ ऑयल डालना पड़ेगा, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन वाले व्हीकल में आपको सिर्फ फ्यूल ही डालना है। टू स्ट्रोक इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो फोर स्ट्रोक इंजन से कम है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में आपको टू स्ट्रोक इंजन फोर स्ट्रोक के मुकाबले सस्ते मिलेंगे। टू स्ट्रोक इंजन का मेंटेनेंस कम पार्ट्स होने की वजह से कम आता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन का मेंटेनेंस टू स्ट्रोक के मुकाबले ज्यादा होता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई पॉइंट मिस हुआ है या फिर उसे ऐड करने की जरूरत है तो कमेंट में बताना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।